नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी देसी ग्वारफली की कड़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देसी ग्वारफली की कड़ी बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम फली ली है, देसी वाली है ये, जिसको मैंने धो के साफ करके उबाल लिया है। आधा लीटर मैंने छाछ ली है। बेसन चाहिए हमें 3 से 4 चम्मच। 2 हरी मिर्च ली है जिसको बारीक काट लिया है। अजवाइन चाहिए आधा चम्मच। धनिया पत्ता चाहिए 1 छोटी बाउल। राई चाहिए आधा चम्मच। सूखे मसालों में थोड़ी सी मेथी और साबुत धनिया और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। अदरक और लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 10-12 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिनको बारीक काट लिया है। ऑयल चाहिए हमें 1 बड़ा चम्मच। मसालों में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हींग चाहिए हमें। 1 बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें छाछ डाल लेंगे, 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल बना लेंगे हम। घोल के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। 2 चम्मच बेसन और डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने घोल बना लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसके अंदर। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर राई डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे। जीरा डाल देंगे, सूखे मसाले भी डाल देंगे, धनिया और मेथी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे, अजवाइन भी डाल देंगे और लहसुन अदरक भी डाल देंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इनको भून लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसे भी हल्का भून लेंगे। अभी सभी सूखे मसाले डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें उबली हुई फली डाल देंगे। फली को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, हल्का खड़ा खड़ा ही रखना है, क्योंकि ये कड़ी के अंदर भी उबलेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा ही उबालना है इसे। फलियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मसाले के अंदर। अब हम इसमें घोल डाल देंगे और चलाते रहेंगे। हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि कड़ी के अंदर उबाल नहीं आ जाता। आधा गिलास पानी डाल देंगे। देखिए कड़ी के उबाल आ गया है। अब हम इसे अच्छे से वापस से मिक्स कर देंगे और इसे धीमी आंच पे 20 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि कड़ी जितनी उबलती है उतनी ही पकती है। आप देख सकते हैं कड़ी काफी उबल चुकी है और ये काफी गाढ़ी भी हो गई है। बहुत टेस्टी कड़ी बनती है फ्रेंड्स, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। कड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। कड़ी को उबलते उबलते 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। और गैस को हम बंद कर देंगे और धनिया पत्ते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कड़ी के अंदर। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्वार फली की कड़ी तैयार है खाने के लिए। बहुत टेस्टी बनती है, इसे चपाती, पूड़ी, राइस जैसे चाहे आप खा सकते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।